एग पुलाव बनाने से पहले अंडे को हमें फ्राई कर लेना है ताकि पुलाव खाते वक्त अंडा फीका ना लगे। तो यहाँ पर पॉट में मैंने एक बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 उबले हुए अंडे और मैं यहाँ पर पुलाव में 5 उबले हुए अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। पुलाव में अंडे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन अंडों के ऊपर हम मसाले स्प्रिंकल कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और जरा सा नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अंडे को 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो करीब 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अंडा अब फ्राई हो चुका है और अंडे के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इस सेम तेल में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज का कटा हुआ आलू और आलू को मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में कट किया है। और यहाँ पर पुलाव में आलू इस्तेमाल करना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि आलू के दोनों तरफ से गोल्डन स्पॉट्स ना आ जाए। आलू भी अब गोल्डन फ्राई हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे सेम प्लेट में। और पॉट में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तेल मौजूद है। तो इस सेम पॉट में मैं पुलाव बनाऊंगी तो दोबारा से मैं इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल दूंगी। अब हम तेल में डाल देंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 2 छोटा तेज पत्ता, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च के दाने और 3 सूखी लाल मिर्च। हरी इलायची और बड़ी इलायची को इस्तेमाल करने से पहले उसे क्रश कर लीजिएगा ताकि इन दोनों का फ्लेवर रिलीज हो जाए। खड़े मसाले को तेल में अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। और प्याज को बिल्कुल इसी तरह से कट कीजिएगा, हल्का सा मोटा ही रखिएगा, प्याज को बिल्कुल बारीक मत चॉप कीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हम सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक जब प्याज फ्राई हो जाएगा, प्याज जब इस तरह से हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 8-10 लहसुन की कलियाँ और मुझे पुलाव में इस तरह से लहसुन खाना पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लहसुन इस तरह से नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू। इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला के ढक के हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। जब अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर। और टमाटर को भी आपको इसी तरह से मोटा कट करना है, टमाटर को फाइन चॉप मत कीजिएगा। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला के ढक के हमें टमाटर को लो मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो गया है, टमाटर अब पकने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अब हम इसमें पाउडर मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के बिरयानी मसाला। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और मैं यहाँ पर ये वाला बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने पसंद के ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हम इसमें चावल डालेंगे तब हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप धुला हुआ बासमती चावल। और यहाँ पर एग पुलाव बनाने के लिए मैं चावल को डायरेक्टली वॉश करके इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो एग पुलाव बनाने से आधे घंटे पहले आप चावल को पानी में सोक भी कर सकते हैं। चावल को मसालों में बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का इस्तेमाल किया है तो अब उसी हिसाब से तो मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ। और अगर मैं आपको ml में बता दूँ
तो मैंने यहाँ पे 500 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको चावल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो अब बस इतना समझ लीजिएगा कि आपको इसमें उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है जितने में चावल डूब जाए। और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको बिना कवर के पकाएंगे तब तक जब तक कि चावल का पानी ऑलमोस्ट सूख ना जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट के बाद जब इस तरह से चावल का ऑलमोस्ट पानी सूख जाएगा और पॉट के नीचे थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, तब हम इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। और पुलाव में मैं यहाँ पर सिर्फ धनिया पत्ता का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना पत्ता है तो धनिया के साथ साथ आप पुदीने पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे 4 से 5 लटकी हुई हरी मिर्ची। तो मिर्च मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके चारों कोने पे हमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, इससे पुलाव में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही साथ पुलाव का टेस्ट दुगना हो जाएगा। और आप चाहें तो इस स्टेज पे पुलाव में 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। केवड़ा जल डालने से पुलाव में से जबरदस्त खुशबू आएगी। अब हम इसमें डाल देंगे शैलो फ्राई किया हुआ अंडा। तो अंडे को आपको इस तरह से चावल के ऊपर रख के हल्के हाथों से दबाते हुए अंदर की तरफ कर देना है। अंडे को आपको बहुत ज्यादा चावल के अंदर नहीं करना है, वरना अंडा टूट सकता है। अब एक स्पून की मदद से अंडे के ऊपर हमें चावल को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डाल देना है। अंडे को चावल से बहुत ज्यादा मत कवर कर दीजिएगा, बस हल्के हल्के हाथों से आपको चावल को उठा के अंडे के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अब हम चावल को ढक के लो फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ताकि चावल को पकने में जो कसर बाकी है वो पूरी हो जाए। तो करीब 7 से 8 मिनट के बाद पॉट का मैंने लिड हटाया और पुलाव में से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं एग पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। अब एक स्पून की मदद से चावल के चारों कोनों को हमें हल्का हल्का इस तरह से उठा देना है, ताकि चावल के अंदर जितना भी स्टीम है सब बाहर आ जाए और चावल ओवर कुक ना हो। तो आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला सा है, चावल का एक एक दाना आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बिल्कुल इसी तरह से पुलाव होना चाहिए। तो पुलाव को बनाते वक्त आप चावल और पानी का जब परफेक्ट मेजरमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो चावल कभी भी ओवर कुक नहीं होगा, चावल गीला नहीं होगा, चावल बिल्कुल इस तरह से खिले खिले से बनेंगे। तो अब ये एग पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हम इस एग पुलाव को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एग पुलाव को आप सर्व कर सकते हैं अपने पसंद के रायते के साथ, या फिर आप चाहें तो इसे प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई झंझट नहीं है। और आज का ये वीडियो स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।